एहिजा जितना बिहारी भाई लोग रहता एक दिन आई रउआ आगे टेस्ट करी हमार। मैंने वहाँ देखा कि ठंड का टाइम है, मकई की रोटी और सरों का साग एक मद्रासी भाई बेच रहे थे कि यार तुम तो पंजाब को उठा कर मद्रास ले गए, 2500 का माल लेके आता हूँ। ओ दादा अपनी आसुन ना, एक दिन अपनी आसुन की परिष्कार अभी तैयार करे छी। क्या बात करते हैं, क्या पता मेरी बातें भी बिकती हो। आपने उनसे बदला ले लिया है ना, 800 रुपए किलो वाले बादाम भी हम अपने मसाले का राज आपको क्यों बताएं? तो ये हाईवे की रोड है जहाँ से लोग अपनी गाड़ियाँ रोक रोक के आपके पास अटेंडेंस लगाते हैं। शाम को कौन सा काम करते हैं बताओ? शाम को ऑफिस से चोरी सी बंक मार के आपके पास खाने के लिए बिल्कुल। आपके हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? आप बाजार में कोई भी काम करें सिस्टम से आपकी दिहाड़ी निकलेगी। सर विदेश न जाएं सर, विदेश अपने माँ बाप को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आप लगे भाले लग गए आपको, अगर कुछ वहाँ हो या माँ बाप को कुछ हो गया कम कमाई अपने देश में। क्या बात है भाई साहब। हाँ जी भाई साहब, एयरपोर्ट रोड से गुजर रहे थे और हमें मिले बहुत ही प्यारे सरदार जी। 50% का डिस्काउंट लगा रखा है उन्होंने इडली डोसा में, बहुत ही कमाल का और धमाल का एक काम कर रहे हैं। अरे पूछना पड़ेगा इनसे। हाँ जी सरदार जी कैसे हैं? ठीक है जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सबसे पहले नाम बताइए जी अपना। रंजीत सिंह। रंजीत सिंह। अच्छा रंजीत सिंह जी, नोट पे नोट छाप रहे हो ये पास? नहीं नोट पे तो नोट नहीं छाप रहा हूँ। हाँ जी, पर गरीबों का ध्यान रखा हूँ। अच्छा गरीबों का ध्यान रख रहे हो। अच्छा 50% ऑफ का मतलब है कि 40 में दो पीस मिलती है आपको बाजार में, मिलती है इडली 40 की दो पीस जी। मैं 40 की चार देता हूँ। क्या बात है भाई साहब, 40 की चार दे रहे हैं जी। हाँ सर जी। तो आपकी लॉटरी लुटरी निकली है कोई? ना ना, कम मार्जिन रखेंगे ना, ज्यादा माल बिकेगा सर जी। अच्छा माल ज्यादा बिकेगा, क्या बात है। आपकी टोन थोड़ी चेंज आ रही है, कहाँ से बंगाली भाषा बोल रहे हैं? बंगाली और हिंदी मिक्स है ना, पहले मैं बिहार में भी रहता था। क्या बात, फिर वहाँ से चला गया कलकत्ता यानी बंगाल। अच्छा ही कलकत्ता। तो पंजाब में कितनी देर रहे आप? पंजाब में तो मैं 3 साल रहा। अच्छा आप पंजाब में सिर्फ 3 साल? 3 साल है और बाकी मैं उधर 30 साल उधर गुजारा मैंने। अच्छा जी। हाँ जी। तो आप इतने साल बिहार में रहे तो बिहार की डिश भी तो बेच सकते थे। बिहार की डिश मैं बहुत पहले वेलोर गया था, वेलोर। अच्छा जी। बड़ी भूख लगी हुई थी मुझे। जी जी। मैंने वहाँ देखा कि ठंड का टाइम है, मकई की रोटी और सरों का साग एक मद्रासी भाई बेच रहे थे। क्या बात है। मैंने कहा वाह क्या बात है भाई। मैं जब यहाँ आया 2 साल पहले, हाँ जी, तो मेरे दिमाग में यही आया जी कि यार तुम तो पंजाब को उठा कर मद्रास ले गए। हाँ जी। मैं छोटे से थोड़ा सा मद्रास उठा के पंजाब में थोड़ा उसे मैं पब्लिश कर। तो आपने उनसे बदला ले लिया है ना, वो पंजाब का डिश वहाँ पे ले गए थे, आप साउथ की डिश पंजाब में ले। क्या बात करते हैं ना, क्या हाँ बात है जी। और आप कितने सालों से बेच रहे जी इडली? मेरे को 2 साल हो गए। अच्छा यहाँ पर 2 साल पूरी दीवानगी फैला रखी है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। और क्या खुद ही बनाते हैं आप? ना घर में बनाते हैं बिल्कुल, कहीं ऐसा तो नहीं है भाभी जी घर में बनाते हैं? आप नाम ले रहे हैं? भाभी जी भी बनाती है। अच्छा उनका भी सही होगा। क्या बात, उनको सही होगा सर। दिखाएंगे कैसे क्या कर रहे हैं? ये है सर हमारी इडली, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही कैमरे में आधी की इडली, बिल्कुल इडली। ये तो स्पॉन्जी लग रही सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या बात है जी, ये इडली होगी ना जो आप 30 रुपए की चार देते हैं? 30 रुपए की तीन, तीन तीन सॉरी तीन, 10 रुपए की एक, 10 रुपए की एक। और ये क्या जी, ये मसाला छुपा रहे हैं? पहले ये मसाला दिखाओ। ये मसाला हमारा है, ये हमारा मसाला है। अच्छा जी। घर का जरी जीरा धनिया गोलकी। अच्छा जी। सारे डस्ट किए हुए हैं, लाल मिर्च है। हाँ जी हाँ जी। ये तो सीक्रेट रेसिपी मसाला वहीं से सीखा था अपने साउथ से? हाँ जी हाँ जी, कुछ अपना भी यहाँ दिमाग लगाया गया है। जो है चीज इस एरिया में चल रही है, हाँ जी, पर उस पे थोड़ा दिमाग लगाया गया है। दिमाग लगा सर, ये दिखा दो, पिटारा खोल दो। ये है हमारा सांबर। सांबर सांबर थोड़ा ये रहा, गाढ़ा सांबर है सर। गाढ़ा सांबर है, गाढ़ा। क्या क्या वेजिटेबल्स आती है बता दो सर। इसमें गाजर डालता हूँ। हाँ जी। पेठा। अच्छा जी। रिया। अच्छा जी। और दाल भी डलती है। अच्छा जी। अब कुल मिला के यही है पूरी रेसिपी बता रहे, मतलब रियल शेफ आप है, बना लेते हो मेरे को। मैं छापा मारने आया था आपकी दुकान में कि आप झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो। नहीं। अच्छा जी। और इसमें क्या रहता है जी? ये इडली खत्म होगी इसमें। अच्छा ये इडली खत्म होगी। हाँ वही मैंने 80-85 पीस प्लेटे लेके आता हूँ। 80-85 का 2500 का माल लेके आता हूँ। 2500 का माल लेके आते हैं और बिक जाता है? 2-3 बजे तक बेच के निकल लेता हूँ। शाम को कितने बजे? मैं 10:30 के लगभग। 10:30 बजे आते हैं। हाँ 2-3 बजे अपना 2500 इडली बेच के लेते। बिल्कुल, कभी कभी मैं आ जाता हूँ 10 बजे, कभी भी 10 बजे आते हैं। हाँ जी। तो आपके कस्टमर आते रहते, दीवाना कर दिया? बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या हुआ था, मक्की की रोटी साग तो सारी दुनिया बेच रही है पंजाब में। हाँ पंजाब में डिफरेंट ही ट्रेंड निकाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे लगाते हैं दिखाइए जी। देखिए सबसे पहले ये हमारी 3 इडलियां यहाँ पर हो गई। ये 3 इडली हो गई सर। क्या बात है जी। अब ये गर्मा गर्म सांभर आएगा जी? हाँ जी बिल्कुल आएगा जी। ये रहा गर्मा गर्म सांभर। ये लो जी सांभर डाल दिया सर ने। ये रहा जी। क्या बात है सर। सर बातें बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं आप। बातों के कारण तो नहीं लोग खाने के लिए आते हैं आपके ऐसे इडली डोसा? क्या पता मेरी बातें ही बिकती हो। हाँ क्या बात है। अच्छा इडली का स्वाद नहीं बिक रहा है? हाँ जी। नहीं बिक रहा है सर? नहीं बिक तो रहा है, बिक तो रहा है। ये चटनी तो आप दिखाई नहीं, नारियल की? ये चटनी है सर। ये नारियल की चटनी, नारियल मूंगफली। अच्छा जी। 800 रुपए किलो वाले बादाम भी। ओ भाई साहब, थोड़े से डालता हूँ लास्ट में मिक्सी में। तो ये बादाम बिहार से लेके आते हैं? साउथ से। अब कहाँ जाऊँगा लेने के लिए, यहीं रहता हूँ, यहीं से लेता हूँ।
ये लो जी, ये आ गया है ना, बिल्कुल आ गया जी, चटनी बिल्कुल आ गई जी। और ये ऊपर आ गया मसाला जी, हाँ जी है ना, क्या बिल्कुल सिक्रेसी है जी मसाले में। क्या बात, हम अपने मसाले का राज आपको क्यों बताएं, लेकिन हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो चलिए एक डायलॉग हुआ, हाँ जी, पर कोई अगर आता है कि मैंने वहाँ खोलना जीरकपुर में, थोड़ा मेरे को बता दो, हाँ बता देता हूँ, बता देते ना। हाँ जी, हाँ जी, आप बड़े नेक दिल इंसान लग रहे हैं, तभी परमात्मा का हाथ आपके ऊपर है ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात, भगवान की दया है, आपकी भी दया है। अच्छा, कारों में भी आते रहते हैं आप, क्या डोसा सांबर, सांबर नहीं रखा आपने, सांबर 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 कहते हैं, डोसा नहीं रखा आपने, डोसा नहीं रखा, डोसा नहीं रखा। अब बहुत लंबा लिफाफा है ना वो। अच्छा, तो ये हाईवे की रोड है जहाँ से लोग अपनी गाड़ियाँ रोक रोक के आपके पास अटेंडेंस लगाते हैं, स्पेशल खाने के लिए आते हैं। बिल्कुल, क्या बात है। तो कौन कौन खाने आते हैं आप बताइए एक बारी। खाने तो आते ही हैं लोग, अच्छे अच्छे लोग आते हैं खाने के लिए, अच्छे अच्छे लोग। हाँ जी, हाँ जी। तो कभी ऐसा भी रहता है कोई जरूरतमंद आपके पास खाना खाने आता होगा, उसके पास पैसे नहीं रहते होंगे, आप खिला देते हैं? मैं दे देता हूँ जी, दे देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या बात, ये तो इंसानियत होनी ही चाहिए। हाँ जी, ये तो सब में होनी चाहिए। तो दिन की कितनी प्लेट लगा लेते हैं इडली की? मैं बोला कि भाई 2500 का माल बेच लेता हूँ, 85 पीस का। मैं शाम को दूसरा काम करता हूँ। ओह भाई साहब। हाँ जी, हाँ जी। शाम को कौन सा काम करते हैं बताओ? शाम को सिलाई का काम करता हूँ। सिलाई का, क्या सिलते हैं आप? क्योंकि हमारे भैया दर्जी है ना। अच्छा जी, तो हम लोग भी वहीं पर सलवारें सीता हूँ, सलवारें सिलते हैं। क्या बात है, मेहनत का काम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आपके वाइफ बच्चे यहीं रहते हैं? हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं रहते यहाँ। अच्छा, वो अच्छा, चाहे तो मैं इधर दे दूँ। अच्छा, दो ये लो जी, सर्व करते रहते हैं सर, बड़े दीवाने कर रखे सर ने, ट्राई सिटी के लोग है ना। हाँ जी, हाँ जी। सर के हाथ के इडली और सांबर खाने के लिए उतावले रहते हैं कि कब हम 2:30 बजेंगे ऑफिस से चोरी सी बंक मार के आपके पास खाने के लिए आएंगे। बिल्कुल आपके सामने ही है सर। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। क्या बात है जनाब। हाँ जी सर, आप कितने टाइम से खाने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए। स्वाद बढ़िया रहता है? मैरिड हो? हाँ जी, हाँ जी। तो घर पे नहीं मिलता खाना अच्छा साफ सुथरा टेस्टी? बहुत बढ़िया, हेल्दी है, हेल्दी है। वाह क्या बात है। तो ये सर एक तरह से ये भी है जैसे आपके कस्टमर बता रहे हैं हेल्दी है ना, स्टीम्ड ही रहता है? बिल्कुल ना, ऑयल फ्री रहता है आपका सारा? बिल्कुल ऑयल फ्री है, ये बॉयल आइटम, बॉयल आइटम है ना। ये लो जी, मैं कहता हूँ कि डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, आप बाजार में कोई भी काम करें सिस्टम से, हाँ जी, निकल जाएगी। हाँ, आपकी दिहाड़ी निकलेगी। हाँ जी, सिस्टम से काम करें ना अच्छी तरह, और दिल भी साफ रखना चाहिए। ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सर आगे कोई फ्यूचर में सोचा आपने? हाँ जी, फ्यूचर में कोई सोचा कि बड़ा रेस्टोरेंट करना चाहिए? हाँ, बड़ा तो करूंगा। अच्छा, हाँ, और बड़ा भी रखूंगा, बड़ा करूंगा और बड़ा भी रखूंगा, वो छेद वाला। हाँ, और डोसा भी। क्या बात है। हाँ जी, तो मतलब ये 50% ऑफ का आइडिया कहाँ से है आपके पास? 50% ऑफ है तभी तो माल ज्यादा बिकता। मैंने क्या कहा? अच्छा, माल बिकाने। हाँ जी, कम अगर मार्जिन रखेंगे ना तो माल ज्यादा बिकेगा। माल ज्यादा बिकेगा तो मैं 30 रुपए की 3, 40 की 4, भाई लोग 40 की 2 देते हैं। हाँ जी, तो चलिए ये इसलिए मेरा माल बिक जाता है। तो आप टेस्टी भी है सर, कुछ खास रह तो नहीं किया जो मेरे से मिस हो रहा होगा? नहीं, आपसे तो कुछ मिस नहीं हुआ। ये आपने कॉइन्स छिपा रखे हैं? रखे नहीं, कॉइन इस, चलिए चेंज सामने रखता हूं, कोई आ जाते हैं। क्या बात। हाँ जी, तो सर जैसे रिफिल कराना हो तो चटनी या फिर सांबर रिफिल हो जाता है? हाँ जी बिल्कुल, उसके चार्जेस तो नहीं? उसके चार्ज कुछ। यूथ को छोटा मोटिवेशनल मैसेज दे दीजिए छोटा सा। सर विदेश ना जाएं सर। हाँ जी, आप विदेश अपने माँ बाप को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? हाँ जी, आपको अगर कुछ वहाँ हो या माँ बाप को कुछ हो गया या आपको कुछ हो गया तो बहुत दिक्कत है सर। कम कमाइए, अपने देश में रहिए ना, अपने देश से प्यार करिए ना। क्या बात, क्यों जा रहे हैं सर विदेश? कम खाएंगे सर, माँ बाप के साथ रहेंगे, अपने रिश्तेदारों के साथ रहेंगे सर। पर एक थोड़ी सी सर बिहार की लैंग्वेज में कुछ बता दीजिए, अगर इडली सांभर आपने टेस्ट करना मेरी दुकान में तो कैसे बोलेंगे? एजा जितना बिहारी भाई लोग रहता, एक दिन आई रउआ आगे टेस्ट करी हमार इडली या डोसा, देखी खाने में कैसा लगता रउआ के। क्या बात है भाई साहब। और ये साउथ इंडियन में बोलना हो तो? साउथ इंडियन नहीं, बंगाली में बोल सकता हूँ। बंगाली में बोल दो। ओ दादा अपनी आसुन ना, एक दिन अपनी आसुन कि परिष्कार अभी तैयार करेछी, अपने टेस्ट करे देखुन ना, आपके भालो लगबे। क्या बात है भाई साहब, सर आप तो दिल को छू गए। सर एक बार एड्रेस बता दो, लोकेशन बता दो, जहाँ बैठते लोग आपके पास बहुत आना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। एड्रेस नहीं पता लग रहा। TDI एयरपोर्ट रोड। अच्छा, TDI नारायण स्कूल के अपोजिट। अच्छा ना, और ये हाईवे रोड में आपको सर मिलेगी बैंक, सामने आप देखेंगे HDFC बैंक। अच्छा, HDFC बैंक के ऑपोजिट आप। हाँ जी सर, का कार्ड दीजिए ना। हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिजी शेड्यूल में मुझे टाइम दिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमारा मान बढ़ाया। क्या बात, आप हमारे यहाँ आए। थैंक यू सर, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे जी। ठीक है सर, थैंक यू जी, थैंक यू जी। ओके जी, ओके जी।